नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। दोस्तों इसको लेकर एक नई अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी आप सभी को पता होगा आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज कराने के लिए सहायता राशि दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। चाहे जो भी महंगा से महंगा इलाज हो वो आप करा सकते हैं। 5 लाख रुपए का आपको स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, लेकिन इसको लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही है, यानी अब 5 लाख नहीं बल्कि आपको 10 लाख रुपया का लाभ दिया जाएगा। तो कब से इसका लाभ मिलने वाला है, क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि किसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो हमेशा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे पेपर कटिंग देख लाए थे जो कि 18 जनवरी 2024 के डेट में पेपर कटिंग रिलीज किया गया। इसी में सारा जानकारी दिया गया है कि अब कितना राशि बढ़ेगा और कितना लोगों को लाभ मिलेगा इसमें बताया गया है। सरकार को इतना कितना पैसा खर्च आएगा इसमें हर एक जानकारी बताएगा। तो इसमें देख सकते हैं हेडिंग में बताएगा आयुष्मान भारत की राशि दुगुनी करने की तैयारी। और जो भी आयुष्मान योजना की जो भी राशि थी 5 लाख रुपया, अब उसे दुगुना यानी कि 10 लाख रुपया करने की तैयारी की जा रही है। अब ये समझते हैं स्टेप बाय स्टेप में क्या जानकारी निकल कर सामने आई। बताएगा केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा कवर को दुगुना कर यानी 10 लाख रुपया करने का प्रस्ताव पर काम कर रही है। यानी कि पहले 5 लाख रुपया था जिसे अब 10 लाख करने को लेकर यानी कि काम कर रही है सरकार यानी केंद्र सरकार। इसका मकसद कैंसर और अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज में मरीजों को अधिक मदद की जा सके। ठीक है, यानी पहले तो 5 लाख रुपया तो ये जाता था, जो भी छोटे मोटे जो इलाज होता था हो जाता था आसानी पूर्वक से, लेकिन जो भी कैंसर और बड़े बड़े जो इलाज होते थे उसके लिए अत्यधिक पैसा लगता था जो कि नहीं हो पाता था। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यानी कि इसकी मकसद से कैंसर और अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज को मरीजों से अधिक मदद की जा सके, यह जानकारी निकल कर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक यानी बुधवार को दी गई है। इसकी घोषणा 1 फरवरी को अंतरिम बजट भाषण में की जा सकती है। यानी अभी इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, नहीं अभी घोषणा किया जाए, लेकिन इसका जो भी घोषणा करने की बात कही गई 1 फरवरी को अंतरिम बजट जो होता है उसमें भाषण के दौरान इसमें घोषणा की जानकारी निकल कर सामने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि MBPMJY में से किसान सम्मान निधि योजना प्राप्त करने वालों को तथा निर्माण कामगारों को यानी जो भी मजदूर है उनको तथा जो भी गैर कोयला खनन करते हैं कर्मी उनका या आशा कार्यकर्ताओं को अगले 3 साल में जोड़कर लाभार्थी की जो संख्या होगी यानी 100 करोड़ करने की योजना बना रही है सरकार। अभी बात करते हैं अभी जनसंख्या 100 करोड़ से नीचे जो भी आयुष्मान कार्ड धारक है उनकी संख्या अभी 100 करोड़ पार नहीं हुई है, लेकिन सरकार ऐसा सोच रही है कि यानी कि जो भी कर्मी है जैसे निर्माण कामगार जैसे लेबर मजदूर उनकी भी इसमें जोड़ा जाएगा तथा जो भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं उनको भी जोड़ा जाएगा और जो भी कोयला खनन करते हैं कर्मी उनको या आशा कार्यकर्ता जो भी है उनको भी जोड़कर यानी कि अगले 3 साल में यानी 100 करोड़ करने की योजना बना रही है सरकार। मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि 5 लाख रुपए से अधिक के खर्च की आवश्यकता वाली गंभीर जो बीमारी जैसे कि प्रत्यारोपण और उच्च लागत वाले जैसे कैंसर उपचार आदि को भी इसका तहत कवर किया जा सके। यानी कि सरकार का ऐसा कहना है कि जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए तो मैक्सिमम बहुत से ऐसे जो बीमारी थे उसका लाभ हो जा रहा था, लेकिन अत्यधिक जो खर्च वाले बीमारी थे उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा था जहाँ पे 10 लाख 12 लाख खर्च आते थे। इसी को देखते हुए सरकार ने ये मतलब पैसा जो भी है बढ़ाने की बात कही, यानी जहाँ 5 लाख मिलता था जहाँ 10 लाख रुपया देने की बात कर रही है। बात कही इसके लिए वित्तीय वर्ष जो होगा यानी 24-25 में से साबित से बताया गया इसके लिए वित्त वर्ष यानी 2024-25 से ही बीमित राशि को बढ़ाकर यानी 10 लाख रुपए प्रति परिवार को प्रस्ताव के अंतिम रूप देने का काम कर रही है। यानी कि 24-25 से अगर ये हो जाता है तो आपको लाभ मिलने लगेगा, 10 लाख रुपए मिलने लगेगा। बीमा कवर की राशि 10 लाख रुपए प्रति परिवार और लाभार्थी की संख्या यानी 100 करोड़ करने पर सरकार को हर साल प्रीमियम के रूप में यानी 12,076 करोड़ रुपया की अतिरिक्त भुगतान करना होगा। अगर मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए आपके जो भी मिलने लगा अगर ऐसा हो जाता है और 100 करोड़ जनसंख्या अगर पार हो जाता है आयुष्मान कार्ड धारक को तो उसमें सरकार का जो खर्च आएगा 12,076 करोड़ रुपया खर्च आएगा, अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2023-24 में बजट की आयुष्मान भारत PMJY के लिए 7200 करोड़ रुपये अधिकारी ने बताया कि वित्त वर्ष यानी 2023-24 में बजट जो हुआ था आयुष्मान भारत का यानी आयुष्मान कार्ड का जो भी है 7200 करोड़ रुपया खर्च आया था, लेकिन जो 2024-25 में अगर ये हो जाता है दुगुना हो जाता है तो करीब यानी 15,000 करोड़ रुपया खर्च आ सकता है सरकार को इतना। तो यही अपडेट वीडियो था दोस्तों, आपको बता दें इसको लेकर अगर आप आयुष्मान कार्ड बना लिए हैं तो इसको लेकर नया आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया जाएगा बल्कि उसी आयुष्मान कार्ड को आपको लाभ दे दिया जाएगा कि हाँ
जहाँ पे 10 लाख रुपया लगने वाला है वहां पे 10 लाख रुपये का आप लाभ ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कब योजना को लागू किया गया, तो 2018 में लागू की गई थी योजना। अभी तक बात करें तो 6.2 करोड़ मरीजों ने इसका लाभ भी ले लिया, यानी कि अपना इलाज भी करा चुके हैं, और 79.157 करोड़ रुपये से अधिक राशि का कराया गया है इलाज। अब इतना रुपया का अभी इलाज भी हो चुका है, और 12 जनवरी 2024 को इसका जो भी आंकड़ा निकाला गया था सरकार की तरफ से, तो 30 करोड़ पार हो चुके हैं जो भी आयुष्मान कार्ड की जो आयुष्मान कार्ड धारक है, मतलब 30 करोड़ लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, जिसका आंकड़ा बताता है 12 जनवरी 2024 को। बस यही अपडेट था, और इसको लेकर जैसे मतलब ये घोषणा हो जाएगी 1 फरवरी को, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि अंतरिम बजट जो होगा भाषण में आप इसकी घोषणा कर जी सकती है। बस यही अपडेट वीडियो था दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।